आज भैया देख लो कि कैसे लोग AI इन्फ्लुएंसर बना के AI वीडियो बना के महीने का लाखों रुपए चाप रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बंदा AI इन्फ्लुएंसर बना के उसकी वीडियो YouTube पर अपलोड करता है एंड यहाँ पर आप इसकी अर्निंग देखिए $5,900 से लेके यहाँ पर $94,000 की अर्निंग हो रही है मंथली। ये बंदा 3 से लेके 4 लाख रुपए कमा रहा है और यहाँ पर आप इसके व्यूज देखिए 23 मिलियन व्यूज आ रहे हैं सिर्फ 28 दिनों के अंदर जो कि लॉन्ग वीडियो से आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आप इसके सब्सक्राइबर देखिए मंथली इसके जो सब्सक्राइबर वो 1,30,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो समझ सकते हो भैया AI कंटेंट कितना ज्यादा वायरल होता है, कितना ज्यादा आप उससे पैसा कमा सकते हो। इसी तरीके से आपको मैं दूसरा चैनल दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए ये शॉर्ट चैनल जो कि 1 महीने के अंदर 219 मिलियन से ज्यादा व्यूज इंक्रीज कर रहा है सिर्फ AI कंटेंट को अपलोड करके। एंड यहां पर आप इसकी अर्निंग देखिए $55,000 से लेके $8,00,000 से ज्यादा की अर्निंग कर लेता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम मान लेते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए आराम से ये बंदा निकाल रहा है। और इसके सब्सक्राइबर देखिए महीने के सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो समझ सकते हो भैया AI कंटेंट कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप AI इन्फ्लुएंसर कैसे बना सकते हो और साथ ही AI कंटेंट कैसे बना सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए सिंपल मैं जाता हूं यूट्यूब पर, मैंने इस चैनल को ओपन करके रखा है जो कि एक AI इन्फ्लुएंसर है। ये कोई बंदा नहीं है, ये AI से जनरेट हुआ हुआ एक कैरेक्टर है। यहां पर आप देखिए इसके व्यूज देखिए यहां पर 1.9 मिलियन 1.8 मिलियन इस तरीके से ज्यादा का जो वीडियो पे मतलब व्यूज है वो मिलियन में है। एंड इस वीडियो में आपको इसी टाइप का कंटेंट बनाना सिखाऊंगा। AI वीडियो कैसे बनाओगे, इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हो। जैसे मैं यहां पर इसको ओपन करता हूं और यहां पर आप देख सकते हो ये चैनल मोनेटाइज है, एड भी इस पे आते हैं, ठीक है। एंड यहां पर मैं इसको स्किप करता हूं। कुछ इस टाइप का कंटेंट आप इजीली बना सकते हो। यहां पर आप देखोगे इस तरीके से यहां पर ये AI इन्फ्लुएंसर है, आराम से ऐसा कंटेंट आप बना सकते हो एंड कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट चैनल दिखाता हूं जिसमें आप AI कैरेक्टर को लेकर शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। तो आप यहां पर ये शॉर्ट चैनल देख सकते हो जिसके यहां पर मिलियन में व्यूज आते हैं। एंड ये भी AI कैरेक्टर है जो कि जनरेट किया गया है, आप खुद का कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो। इस टाइप की वीडियो आप अपलोड कर सकते हो जिन पे आपको मिलियन में व्यूज मिलने वाला है। साथ ही साथ इस टाइप का कंटेंट को आप Instagram पे अपलोड कर सकते हो। मैं आपको Instagram के कुछ एग्जांपल देता हूं। यहां पर आप देखिए ये Instagram अकाउंट है और ये एक AI वाला अकाउंट है, मतलब ये कोई रियल लड़की नहीं है, ये सिर्फ AI जनरेटेड इमेज है, AI जनरेटेड यहां पर वीडियो है जिन पे लाखों में मिलियन में व्यूज आता है। ये कोई रियल लड़की नहीं है, ये यहां पर AI से जनरेट की गई है। इस टाइप की वीडियो आप आराम से जनरेट कर सकते हो, किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठा के उसमें आप किसी का भी फेस लगा के मतलब इस टाइप का कंटेंट अपलोड कर सकते हो। आपने देखा होगा मोदी जी के यहां पर वीडियो होता है, कभी कभी यहां पर किसी अलग अलग लड़की का, कोई मतलब बहुत टाइप की वीडियो आपने इंटरनेट पर देखी होंगी जो AI द्वारा जनरेट होती है। मैंने भी कुछ वीडियो बनाई है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो शाहरुख खान की वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है SRK और आज आप मुझे देख रहे हैं सचिन मोरिया यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो मैंने जनरेट की है जिसमें आप किसी का भी फेस लगा के किसी की भी वॉइस को जनरेट कर सकते हो, कोई भी सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप किस तरीके से AI कंटेंट बना सकते हो। सारी चीज आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो और मैंने के लाखों रुपए कमा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है akul.com, आप यहीं से सारी चीजें कर सकते हो। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या आप यहां पर akul सर्च करके आप यहां पर आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहां पर आपको एक डेस्कटॉप साइट मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको इनेबल कर लेना है। अब जैसे आप इस पे इनेबल हो जाओगे तो यहां पर ये PC मोड में आ जाएगा, आप आराम से यहां पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर आपको PC में बताऊंगा जैसे स्टेप वहां पर है उसी तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। सबसे पहले आपको ज्वाइन फ्री ट्रायल पर आपको क्लिक कर देना है और कोई भी Gmail ID से आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, मतलब अकाउंट अपना बना लेना है। उसके बाद जो भी मैं स्टेप आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप सारी चीजें मोबाइल में जनरेट कर सकते हो। तो चलिए चलते अपने PC की स्क्रीन पे, सब कुछ आपको बताते हैं किस तरीके से आप AI कैरेक्टर, AI इन्फ्लुएंसर, AI वीडियो बना सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, यहां पर ज्वाइन आवर फ्री ट्रायल पे आपको क्लिक कर देना है एंड जो भी आपकी Gmail ID हो उससे आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपने कर लिया होगा। एंड इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, शायद आपके मोबाइल में कुछ अलग तरीके से आते होंगे। नीचे आप यहां पर नाम पढ़ सकते हो, यहां पर फेस स्वाइप का आ जाता है, लाइव फेस स्वाइप का यहां पर फीचर आ जाता है, रियलिस्टिक अवतार का आ जाता है और कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको स्ट्रीमिंग अवतार का आ जाता है। एंड यहां पर आप देख सकते हो वीडियो ट्रांसलेट का आ जाता है, टॉकिंग फोटो का, और यहां पर इमेज भी आप जनरेट कर सकते हो, और यहां पर बैकग्राउंड चेंज का और पर्सनलाइज्ड वीडियो का, ठीक है। इस तरीके से आपको कई सारे यहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारा काम यहां पर कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको करना क्या है। जैसे यहां पर आपको फेस स्वाइप वाला एक ऑप्शन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहां पर इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, आप यहां पर किसी का भी वीडियो का जो फेस है उसको चेंज कर सकते हो, उसमें अपना फेस लगा सकते हो या किसी अदर पर्सन का फेस लगा सकते हो। इस तरीके से आप यहां पर फेस चेंज कर सकते हो वीडियो का
फोटो का, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप कोई भी वीडियो यहाँ से आप उठा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक वीडियो यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो ये वाला कुछ वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो है, मैंने इसको यहाँ पर ले लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ये वीडियो आ जाएगी एंड यहाँ पर आपको कुछ फेस सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फेस सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से पोजीशन, जैसे पहले पोजीशन में आप कौन सा फेस रखना चाहते हो, तो सिंपल आप प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी पर्सन का फेस ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फेस यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं, आप किसी भी पर्सन का फोटो लेके यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर फेस ला सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे मैंने कई सारे फेस ले रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला फेस मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब दूसरा है यहाँ पर ये, तो मैं यहाँ पर ये वाला फेस ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से अलग अलग फेस मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एक ही फेस ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पर आप रीएज कर सकते हो, एज यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर 0 रख सकते हो या आप यहाँ पर नॉर्मली ऐसे रहने देना, ठीक है। अब इनहेंस फेस का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना और यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी फेस स्वैप पर आपको क्लिक कर देना है एंड आपका जो वीडियो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको माई लाइब्रेरी में जाना है, माई लाइब्रेरी में जाने के बाद आपका जो वीडियो होगा वो फाइनल यहाँ पर जनरेट होने लगेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक जनरेट करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको मैं प्ले करता हूँ तो आपकी वीडियो का जो फेस होगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। किसी का भी पर्सन का आप फेस लगा सकते हो किसी भी वीडियो पे, कोई रैंडम वीडियो उठा के, कोई रैंडम रील उठा के आप यहाँ पर फेस जनरेट कर सकते हो, आपका यहाँ पर जो वीडियो होगा कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन काफी ज्यादा कमाल का है, इसका आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लाइव फेस स्वाइप का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो आप लाइव भी अपना फेस स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले ये वाले ऑप्शन से, जिससे आप AI इन्फ्लुएंसर बना के किसी भी टाइप का कॉन्टेंट बना सकते हो, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो काफी सारे आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाते हैं, कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, आपका टेम्पलेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप अगर किसी का वॉइस, जैसे मैंने अभी शाहरुख खान का वॉइस यहाँ पर ऐड किया था, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर शाहरुख खान का वॉइस लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वॉइस यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी किसी का भी वॉइस आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, कोई इंटरव्यू हो या किसी भी टाइप का, सलमान खान का, मोदी जी का, किसी का भी वॉइस आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको न्यू वॉइस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर अपलोड न्यू वॉइस पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरे पास देखोगे SRK का, PM मोदी का, सलमान खान का, आमिर खान का, सबका यहाँ पर वॉइस है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर SRK पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मेरा वॉइस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वॉइस आ जाने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये वॉइस मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट ऊपर आपको लिखनी है, आप चाहो तो ऑडियो स्क्रिप्ट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पर इसको हटा देना और यहाँ पर आप कोई भी स्क्रिप्ट मतलब लिख सकते हो, हेलो गाइस मेरा नाम SRK है, आप लोग मुझे देख रहे हो सचिन मौर्या यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका यूजिंग हो रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट कर देना है, आपका यहाँ पर जो वॉइस होगा वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। हमने यहाँ पर वॉइस जनरेट कर लिया, अब इसके बाद मैं आपको और भी बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वॉइस जनरेट हो गया, इसको मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। हेलो गाइस मेरा नाम है SRK और आज आप मुझे देख रहे हैं सचिन मौर्या यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका शाहरुख खान का यहाँ पर वॉइस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ये सारी चीजें आप यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी चीज आप अगर करना चाहो कस्टमाइज, तो आप इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, फोटो पोस्टर या कुछ भी आप यहाँ पर अपने वीडियो कॉन्टेंट के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो अभी इसकी खास यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें रिमूव कर ली हैं एंड यहाँ पर आपको एक अवतार का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप कोई अपना भी अवतार ले सकते हो लेकिन उसमें हाथ पैर नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी जो जनरेटेड अवतार है उसमें से हम कोई भी अवतार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला अवतार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पर अवतार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से कोई भी अवतार यहाँ पर ले सकते हो, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर ये वाले वॉइस आपको जनरेट करने पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको वॉइस जनरेट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर वॉइस जनरेट कर लिया, फिर से मैं इसको हेलो गाइस मेरा नाम है SRK, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो आपने कैरेक्टर यहाँ पर अवतार यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप मीडिया पर जाओगे तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपलोड फाइल पर आप कुछ भी यहाँ पर बैकग्राउंड वीडियो कुछ भी लगा सकते हो, अवतार पर एलिमेंट्स पर जाओगे तो यहाँ पर आप अलग अलग स्टिकर यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप स्टिकर आप इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करोगे
तो आपका व्हाट्सअप स्टिकर आ जाएगा जिसको आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। एंड इसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट में आ जाता है, तो कोई भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट पे जाओगे एंड यहाँ पर आप एडिट करके कोई भी आप यहाँ पर आराम से टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सचिन मौर्य, यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी यहाँ पर हो जाएगा। तो टेक्स्ट का भी आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर असिस्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर ऐड करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप इसका फेस कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो फेस के लिए आपको सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एंड इस पर यहाँ पर आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेस स्वाइप का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शाहरुख खान का फेस अपलोड करके रखा है। सिंपल आपको क्या करना है, अपलोड पर क्लिक करना है और कोई भी आप शाहरुख खान का अच्छा सा फोटो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसको इस तरीके से यहाँ पर आप ऐड करना और ओपन कर देना, ठीक है। आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा, उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर देना और सिलेक्ट करने के बाद आपका इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट प्रीमियम रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर 1080p पे आप कर सकते हो। इसके बाद आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर माई लाइब्रेरी में जाना है, आपका जो वीडियो होगा यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे वीडियो जनरेट करके रखे हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो वीडियो होगा वो आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है SRK और आज आप मुझे देख रहे हैं सचिन मौर्या YouTube चैनल पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी टाइप का वीडियो AI द्वारा बना सकते हो जिसमें आप मोदी जी का फेस, किसी भी टाइप का फेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर जो की है यहाँ पर वीडियो ट्रांसलेट, ठीक है। अब किसी भी वीडियो का लैंग्वेज आपको अगर चेंज करना है, अगर हिंदी में इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में हिंदी में करना है, तो वो भी आप यहाँ पर इजिली कर सकते हो। वीडियो ट्रांसलेट पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वीडियो यहाँ पर उठा सकते हो, जैसे यहाँ पर इस टाइप की वीडियो यहाँ पर आप उठा सकते हो और इसको आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओरिजिनल लैंग्वेज जो भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे हमारी ये हिंदी थी, हमें यहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया और यहाँ पर आपको इस तरीके से जनरेट प्रीमियम पर क्लिक कर देना है। आपकी जो वीडियो होगी वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर माई लाइब्रेरी में जाना है, यहाँ पर आपकी वीडियो इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पर आने लगेगी। जैसे मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, ये इंग्लिश वीडियो थी, मैंने इसको हिंदी में यहाँ पर किया है। आज सुबह जब मैं उठी तो पहले नहा लिया। इस तरीके से आपका यहाँ पर वीडियो जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश में किसी में भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो वीडियो लैंग्वेज, ठीक है। तो वीडियो आपके यहाँ पर जब ये सेव हो जाए, इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। एंड इसी तरीके से और भी ऑप्शन है आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टॉकिंग फोटो का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप टॉकिंग फोटो बना सकते हो। आपने देखा होगा मॉन्क वाले फोटो हैं, तो यहाँ पर आप इजीली बना सकते हो टॉकिंग फोटो। आप यहाँ पर कोई भी फोटो यहाँ पर चूज कर सकते हो एंड यहाँ पर फोटो चूज करने के बाद, जैसे यहाँ पर मैं शाहरुख खान का कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी आप उसमें लिखोगे स्क्रिप्ट, तो उसके हिसाब से फोटो वहां पर बोलने लगेगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो हेलो गाइस, यहाँ पर इस तरीके से मैं हूँ शाहरुख खान, हेलो गाइस आई एम शाहरुख खान, ठीक है, आई एम SRK, यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे एंड इसके बाद आप यहाँ पर जनरेट कर दोगे, आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ये जनरेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप इसको यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। जनरेट हो जाने के बाद आपका ये टॉकिंग फोटो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी फोटो को टॉकिंग फोटो बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। Hello guys, I am Sarke. ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा और यहाँ पर आपको जनरेट प्रीमियम रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। आपका ये टॉकिंग फोटो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। मैं लाइब्रेरी में जाना है, यहाँ पर टॉकिंग फोटो आपका रेडी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो है आप लोग। इस तरीके से यहाँ पर आप टॉकिंग फोटो बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इमेज जनरेटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी टाइप का कमांड देके इमेज जनरेट कर सकते हो। इमेज टू इमेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और टेक्स्ट टू इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं फ्लाइंग डॉग यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से फ्लाइंग डॉग मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको इतना कर दिया, इसके बाद यहाँ पर मैं जनरेट प्रीमियम रिजल्ट पे क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर आपके जो मतलब कोई भी आप चीज़ लिखोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फोटो जनरेट करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। मैं लाइब्रेरी में जाना है एंड यहाँ पर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखे हैं, तो कुछ इस तरीके से फोटो आ जाएंगे। आप ज़्यादा कर सकते हो, तो आप यहाँ पर कोई भी कमांड दोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फोटो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका ऑप्शन है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ एक ऑप्शन और है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको मिल जाता है बैकग्राउंड चेंज का। अगर आप किसी कंपनी के लिए फोटो शूट कर रहे हो, किसी भी टाइप की चीज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। सिंपल आप क्या करोगे, चूज फाइल पर क्लिक करोगे, कोई भी फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक कप की फाइल यहाँ पर
चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी फोटो का बैकग्राउंड है उसको आप AI से मतलब रिमूव कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये ऑप्शन है, मैं आपको इसके बारे में ही बता देता हूँ। सिंपल आपको कुछ इस तरीके से फोटो मिल जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर आपको कुछ इमेज मिल जाते हैं नीचे, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो फोटो आपका इस तरीके से आ जाएगा, कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग टाइप से आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, कोई भी एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आप प्रीमियम जनरेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर जो 4 फोटो होंगे वो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो, सब कुछ आपको बता दिया गया है। फेस स्वाइप कैसे करना है, सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें यहाँ पर इस तरीके से एडिटिंग करोगे तो काफी अच्छी खासी एडिटिंग आपके यहाँ पर हो जाएगी। सारी चीजें आप पीछे बैकग्राउंड में सारी चीजें लगा सकते हो, ठीक है। इसका रेशियो आप चेंज कर सकते हो, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, ये सारी चीजें कर सकते हो। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हो, ग्रीन बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो। इमेज पीछे रख सकते हो बैकग्राउंड के, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन मिल जाती है, इसमें आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है यहाँ पर यूज करना। आपको यहाँ पर सॉन्ग अगर आपको जनरेट करना है तो सॉन्ग जनरेट पर क्लिक करके कोई भी आप सॉन्ग की स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख देना, आपका सॉन्ग यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ये कैरेक्टर यहाँ पर सॉन्ग प्ले करने लगेगा। ऑडियो स्क्रिप्ट है, ऑडियो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें करके आप गेट प्रीमियम पर क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है ये आपको फ्री क्रेडिट तो आपको देता ही है, साथ में आप यहाँ पर इसकी प्राइसिंग पे जाओगे 30% आपको ऑफ मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे आपको प्लान मिल जाते हैं, जैसे फ्री वाला है, बेसिक प्लान है, यहाँ पर आपको 25 इमेज और यहाँ पर 1.5 मिनट की वीडियो आपको यहाँ पर जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप इसको अपग्रेड करते हो प्रो में तो आपको यहाँ पर मंथ का मंथली आपको चार्ज यहाँ पर $30 देना पड़ता है। अगर आप एयरली करते हो तो आपको 30% यहाँ पर ऑफ मिल जाता है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से आप प्रो मैक्स पे जा सकते हो, स्टूडियो पे जा सकते हो, आपको यहां पर अलग अलग प्लान के हिसाब से, अलग अलग प्राइस के हिसाब से सारी चीजें मिल जाती है आपको यहां पर। इस तरीके से यहां पर आप सारी चीजें देख सकते हो, क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितने कितने प्राइस पे। तो आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड इजिली कर सकते हो, यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इजी ऑप्शन मिल जाते हैं। पेपल से आप स्ट्राइप से पेमेंट यहां पर करके इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाइए, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और भी कई सारे सोर्सेस हैं यहां पर कंपनी के, यहां पर काफी सारे वेबिनार होते हैं, तो आप ये सारी चीजें, सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर पर्सनलाइज वीडियो भी बना सकते हो, और भी कुछ फीचर्स में आने वाले हैं जिसका यूज करके आप काफी अच्छा AI कंटेंट बना सकते हो। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जल्दी से जाओ नीचे रजिस्ट्रेशन कर लेना, अच्छे तरीके से इस पर कॉन्टेंट आप बना सकते हो।